ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में सुने पढ़ी और मंथन करें। 21 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। ये नाजिर क्या बोला होती है? हाजिर तो समझ में आ रहा है, नाजिर क्या बुला होती है? नजर आना, दिखाई देना। हाजिर है, उपस्थित है और नजर भी आ रहा है। भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। हाजिर माना हाजिरी, उपस्थित होना, और नाजिर माना नजर भी आ रहा है। वे बहिष्ठ की सौगात लेकर आया है। बहिष्ठ स्वर्ग, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग आशीर्वाद करते हैं, कृपा करते हैं? उत्तर, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिससे नॉलेज, जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत, मुझे गले से लगा लो। कभी आपने कहा है मुझे गले से लगा लो? कभी आपको फीलिंग आई कि मुझे गले से कोई लगा ले? और कब आई? कभी आपके दिल में आओ कि कोई मुझे अपने गले से लगा ले? कब? तब भी कब? किस? हाँ, दुखी होने पर, भयभीत होने पर लगता है। अब बच्चा कोई घबरा जाता है तो उसको पेरेंट्स क्या करते हैं? गले लगाते, ताकि घबराओ मत। उसके घबराहट को दूर करने के लिए, उसके भय को दूर करने के लिए, मतलब उधर भी चाहते हैं और उधर जो समझते हैं वो उसको वो देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा डर गया है, इसको फिर गले लगाओ ताकि वो डर से निकल जाए। तो मुझे गले से लगा लो, वो सारी दुनिया बेचारी कह रही है। अब जिसने ये गीत बनाया वो इसको नहीं समझता कि गीत मैंने क्यों बनाया। वो पता नहीं कहां बोल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। पर तो हमें इस लाइन से जो समझ में आ रहा है कि ये कब निकलता है कि मुझे गले से लगा लो, जब हम भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, कोई आधार चाहिए होता है, कोई सहारा चाहिए होता है, तब दिल करता है कि कोई हमें गले से। ओम शांति। तो कौन कहेंगे आज की मुरली में कि हमें गले से लगा लो? ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है। वो बेचारी दुखी है, बंधन में है, क्योंकि सारी दुनिया इस समय क्या है? उदास।
उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं, वे गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहां की गोपिकाएं जानती हैं परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार गले में गले से लगा ले। रुद्र माला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां ब्राह्मण चाहती हैं, क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियां, हमें शिव बाबा के गले का हार बनना है, हमें शिव बाबा के गले का हार बनना है, शिव बाबा हमें अपने गले से लगा ले। क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है, आसुरी रावण संस्कारों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ है, जिसके कारण वो सब क्या हैं, दुखी। बच्चियां चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने, जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है, जब बाप हाजिर भी है और नाजिर भी है, तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं। हाथ गीता पर रख देते हैं, मम्मा ने कहा था, क्या कहा था मम्मा ने, क्या कहा था, जब उसे कहा गया कि गीता पर हाथ रख के कहो कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो कहूंगी सच कहूंगी, मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कसम उठाने से इनकार कर, क्यों, मुझे कहीं ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऐसे झूठी कसम क्यों खाऊं। जज साहब आप मेरे सामने हाजिर हो, मैं आपकी कसम खाऊंगी, ठीक है कि नहीं। जज साहब कहता मैं मर जाऊंगा, हाँ अभी नहीं, मतलब कहने का है कि मेन समझने वाली बात है ना, कि मम्मा ने और फिर जज ने कहा कि आपको 15 दिन की सजा दी जाएगी, दे दो 15 दिन की, दे दो साल की, दे दो। दूसरा विपक्ष वाला जज कहता है जी इनकी ऐसे सुन लो, ये ऐसे सच बोलेंगे। मतलब ये देखिए कितना बात है, वंडरफुल बात है कि विपक्ष पक्ष का वकील कहता है जी ये जिद्दी हैं, ये 15 दिन बाद भी हमारा केस पेंडिंग रहेगा, इनकी ऐसे ही सुन लो बात। क्योंकि ये तो ये अपनी टस से मस होने वाले नहीं है, जो इन्होंने जिद ठान ली है ना, नहीं बोलना तो नहीं खाएंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, जब भी उनको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई दी जाती है जाते वो भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं, ईश्वर का कसम इसलिए उठा देते, तोड़ दो मरेगा तो नहीं, वो तो अमर है, माँ बाप की बच्चों की कसम उठाए तो डर लगता है वो मर जाएंगे, अब वो कोई हमारा वीडियो देख ले कि कसम उठाने से कोई नहीं मरता तो वो भी नहीं मरेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर है, सब तो ईश्वर नहीं है, सबका कसम उठाते हैं तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, ये तो वो जानते हैं ना कि सब ईश्वर नहीं है। इस समय तो
नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। बाकी दुनिया के लिए तो बाबा हाजिर नाजिर नहीं है, सिर्फ आप बच्चों के लिए बाबा क्या है, हाजिर नाजिर है। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है उसने क्या किया, वो भी पता नहीं, वे भी पता, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर संगम युग निकाल, द्वापर युग डाल दिया, शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, संगम युग की जगह द्वापर युग डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो कि ये वे निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। अब वो हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है, यही उनकी कृपा है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वे ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं, बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वे खुद राजाओं का राजा बना है। श्री कृष्ण खुद राजाओं का राजा बना है, वो सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, वो सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी है, उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूं, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूं। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात तो लाई होगी ना, बाप है, बाप घर आता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेके आता है, खाली हाथ आ जाता है, खाना पड़ता है कुछ ना कुछ तो, वरना बच्चे इंतजार ही ना करें बाप के, क्या का बाप आता सो जाता है चला जाता है, खिलाने के लिए खाने पीने की चीज कोई लाए तो बच्चे इंतजार करते जागते रहते हैं, पापा अभी तक नहीं आए, वो मिठाई लाए खाएं और हम सोए। तो बाप आया है तो सौगात तो लाया होगा ना, लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं, दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े आए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूं जो कोई मनुष्य ला नहीं सकता, मैं बहिष्ट हेवन लाता हूं, कितनी बड़ी सौगात है, बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहां कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है, अंग अंग में सुगंध है, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध। आज बहुत सारे राज खोले बाबा ने, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है, ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। कल भी यही बात थी है ना, दो दिन पहले बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं, कौन से कीड़े उठाते हैं, ये कीड़े कौन से हैं, बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं, तो वो कीड़े कौन है, आत्मा,
जिन आत्माओं को बाबा क्या बनाते हैं, भ्रमरी बनाते हैं। क्योंकि आत्मा पतित हो गई है तो शरीर भी क्या हो गया है, पतित हो गया है। आत्मा पावन थी तो शरीर भी पावन था। यहां के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। यहां के शरीर क्या है, कीटाणुओं से भरे हुए हैं और रोगी हैं। वहां के शरीर कितने सुंदर, उसको फ्रिज में से निकाल के रख दो। मंदिर भी कितने सुंदर, मंदिर भी कितने सुंदर, वहां के शरीर भी कितने सुंदर और मंदिर भी कितने सुंदर। मूर्तियां बनाते हैं, कितना फर्क है, कितना फर्क है। इस समय के शरीर और उन शरीरों में, इस समय के शरीर और उन शरीरों में 5000 वर्ष की बात, कितने समय की बात है, 5000 वर्ष की। ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहां आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिकर के बर्तन से, ठिकर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं, बाप का भी क्या पार्ट है। फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं, उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा, तुम्हारे शरीर के पिता का बाप भी होगा, टीचर भी होगा और गुरु भी होगा। परंतु शिव बाबा कहते मेरा कोई नहीं है। कितनी कमाल की बात, जो सबका है उसका कोई नहीं, क्यों नहीं है कोई नहीं उसका, वो किसी का नहीं है इसलिए उसका कोई नहीं है। भाई यदि वो किसी से संबंध रखता हो, रिश्ता रखता हो, उसको कोई सुख दुख देता हो तो उसको भी कोई सुख दुख देवे। वो किसी से कोई रिश्ता रखता नहीं तो उसका कोई कैसे होगा, कोई नहीं हो सकता ना। सिखाने आया है परंतु बनते नहीं है, मस्याने हैं, समझदार हैं। हाँ तुम भी ऐसे बन जाओ, बस कोई नहीं है तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा, क्योंकि मैं ही तुम्हें एक सत्य मार्ग दिखा सकता हूं और कोई दिखा नहीं सकता। परंतु मैं तुम्हारा लगता कुछ नहीं, परंतु मैं तुम्हारा सब कुछ बन सकता हूं सिर्फ इसलिए ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। हाँ मतलब बाबा, बाबा का पार्ट पूरा करने के लिए ये जितने भी रिश्ते हैं, ये कोई रिश्ते थोड़ा है। कहता है मुझे साजन बना लो, बनता तो है ही नहीं। सजनी बना लो, बनता तो है ही नहीं। नौकर बना लो, बनता तो है ही नहीं। सिर्फ क्या है कि चाहे तुम जिसकी भी जरूरत महसूस करते हो वो मुझे बना लो, परंतु ये लाइन याद रखनी है, कहना तुमने मेरा माना। बस बात सारी, रिश्ते सारे निभ गए। बाप का कहना मानो और किसी का कहना नहीं मानो तो सारे संबंधों का सुख मिल गया। वरना दुनिया में बाप की राय लेनी पड़ती है, पति की राय लेनी पड़ती है, पत्नी की राय लेनी पड़ती है, बच्चों की राय लेनी पड़ती है। दुनिया तो उसके लिए ही बाबा की श्री मत पर चल रहे। शिव बाबा कहते मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता। कोई भी बाबा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान
नहीं सकते, क्या हम नर्क में हैं? जब बाबा आकर स्वर्ग की पहचान देते हैं तब पता लगता है कि अच्छा इसका मतलब हम तो नर्क में पड़े। ग्रंथ में पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं, क्या है लाइन, मूत पलीति कपड़ धोए। परंतु कमाल की बात है कि वो भी नहीं जानते कि इसका मतलब क्या, वो भी स्थूल कपड़ों पर ही बात को लेते। परंतु अपने को वो नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाता है, क्योंकि दुनिया वाले अपने आप को समझते नहीं कि हम उत्पलिती हो गए। कहते हम रोजाना स्नान करते हैं, नए नए साफ कपड़े पहनते, हम उत्पलिती क्यों होंगे? पता ही नहीं। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो, सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वे ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते। सन्यासी नहीं कह सकते, वे निवृत्ति मार्ग के, खुद ही निवृत्ति मार्ग के, वो पवित्र प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र नहीं रह सके। घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, निवृत्ति मार्ग में चले गए, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहां कोई डर ही नहीं है, यहां कोई डर ही नहीं है। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रहे पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। अब गंधर्वी विवाह का हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, परंतु वहां विवाह तो विवाह है, वो तो विकार के लिए, उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जितने भी प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है उन सभी का मकसद एक ही है, विकार में जाना। बाबा यहां आकर गंधर्वी विवाह कह रहे हैं पवित्रता के लिए। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं, परंतु उन्होंने अर्थ वही ही लिया है, दूसरा कोई। आप आज जिसको लव मैरिज कह देते हैं, उस टाइम गंधर्व विवाह कहते थे, आज इसको लव मैरिज कह देते हैं। मतलब यही होता था कि दोनों राजी हो गए, शादी कर ली, खत्म बात। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है, उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं, नहीं तो क्राइस्ट को क्यों उस क्रॉस पर चढ़ाया? पता है आपको क्रॉस पर क्यों चढ़ाया था क्राइस्ट को? क्या गलती की थी क्राइस्ट ने जो उसको क्रॉस पर लटका दिया? पवित्रता पर। वो कहता था पवित्र रहना, शादी नहीं करना। अपने लिए तो कहता नहीं, अपने फॉलोअर्स को कहता था। हाँ, इस पवित्रता के कारण कहा, ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? कहां से आ गया ये?
इसलिए नंस कभी भी शादी नहीं करती। नियम अनुसार फादर भी शादी नहीं करता, परंतु आजकल सारे फादर शादियां करके बैठे, पुरुष है ना, अधिकार है उनको, नंस शादियां नहीं करते। तो मतलब एक नियम है, मौलवी में भी शादी नहीं करेगा कुरान के अनुसार, जो उनके जिनको मतलब न्याय की अधिकार दिया जाता है, नियम अनुसार वो शादी नहीं कर सकता। जो उनके क्या बोलते हैं, क्या कराते हैं, शादी कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नहीं तो उनके जो निकाह निकाह पड़ता है जो वो मतलब, ये तो आजकल बहुत सारे बने बैठे हैं सारे, पर नियम अनुसार वो धर्म गुरु होता है किस समय, धर्म के मेन जो पहले होता था वो तो सारे पवित्र ही रहते थे, सारे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, मतलब उनका मतलब उनको एक हिदायत होती थी, चाहे जैन धर्म में ले लो, चाहे बौद्ध धर्म में ले लो, चाहे आर्य समाज में ले लो, सबको, यहाँ तक के जो पांच प्यारे थे उनको भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु सारे आज हम शांति हो गए। तो भैया ये जो इसमें गुरुद्वारे में जो अमृत जपते हैं उनके लिए ये रूल नहीं है पवित्रता है ना, वो तो शादी वाले भी चक्कर हैं, अब कुछ चक्के तो उसको क्या कर, मना करे, वो अब गलत हो गया ना, ये मतलब की इसका पहले पवित्रता का है। मतलब हमारे स्कूल में जब ये 1984 में सरदार जलाए गए थे, हमारे स्कूल में एक सरदारनी थी पीएम, तो वो जो है गई वहाँ अमृतसर, क्योंकि उसके पति को मार दिया था, तो कहते मैं अमृत चक के आई हूँ, मेरी तरफ कोई नजर नहीं उठा सकता, मतलब पवित्रता के लिए, मतलब ये मतलब ये उसके शब्द थे न कि मैं अब पवित्र ही रहूंगी, मतलब उन्होंने वहां जाकर अमृत चखा, मतलब कहने का भाव समझना है कि उनको मालूम सारा है, परंतु उसको कोई अपने जीवन में धारण करे ना करे ये अब उसकी मर्जी। गुरुकुल के अंदर जो होते हैं आर्य समाज के गुरुकुल में रहने वाले सन्यासी, वो भी शादी नहीं करते, सुधांशु जी महाराज गुरुकुल से निकला था, जब तक सन्यासी था तो अच्छा था, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया तो डूब गया, अभी है ना, हाँ डूब गया, मतलब ये है कि उनसे राम रहीम से तो अच्छा है ना, वो तो खैर ठीक है, मतलब कम से कम ये तो है ना कि राम रहीम और ये दुनिया भर के जो दूसरे बैठे, हाँ मतलब बाकियों को तो बर्बाद नहीं कर, फिर आए वो तो पैसे आके चला गया था, अभी ठीक है, पार्ट है उनका भी। अच्छा इस पवित्रता के कारण, कहाँ वो ड्राइवर था एक बाबा का, ये ड्राइवर था सिर्फ एक, जो इसका बाबा था गुरु था जो चल रहा था उसका ये ड्राइवर था, वो मर गया ये गुरु बन के बैठ गया, हाँ 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 ये उसका ड्राइवर था। अब जैसे हमारे ब्रह्मा कुमार में मुन्नी बहन है, ये प्रकाशमणि दादी की ब्राह्मणी थी और ये मालकिन बन के बैठ गई है, मतलब क्या है ना कि सब कुछ पता है उसको, इसलिए उसी को कहा भी तू अब जैसे चलाती आ रही है वैसे चला, क्योंकि प्रकाशमणि दादी बीमार हुई तो वो उसके साथ रहती थी, सारा हिसाब किताब वही रखती थी कि क्या प्रोग्राम बनाने हैं कैसे प्रोग्राम बनाने, तो दादी उसके साथ चर्चा करती थी, ऑटोमेटिक सारी नॉलेज है उस नॉलेज के दर। नहीं नीलू बहन को तो दादी गुलजार की नॉलेज है, परंतु दादी गुलजार के पास कोई अधिकार नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर पावर नहीं थी, नहीं एडमिनिस्ट्रेटर पावर जो है ना जिसके पास हो उसका, दादी का पार्ट अलग था, वो पार्ट अलग था। अब जैसे डॉक्टर हंसा है
दादी जानकी की बनी वो तो उस क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पावर सीधा मुन्नि के पास चली गई ना, एडमिनिस्ट्रेटर पावर जानकी दादी के पास नहीं आई। मतलब कहने का मतलब हेड बना दिया परंतु पावर नहीं आई, पावर दादी प्रकाशमणि से सीधी ट्रांसफर होकर किसके पास चली गई, मुन्नी बहन के पास चली। ये फर्क पड़ता है। और अब मुन्नी बहन किसी को कुछ समझते नहीं है, हाँ जो भी है ठीक है, जो कहते हैं पवित्र बनो, जो बात है ना वो ठीक है ना, क्योंकि जो चीज है वो सच है तो उसमें मतलब पता तो चले ना कि मुन्नी बहन हमारे संस्था की हेड बनी हुई है भाई। कहते हैं पवित्र बनो, आपते तो आती हैं, आपते तो आती हैं, यहां भी शिव बाबा पर नहीं आते, यहां पर भी जो आपते आते हैं शिव बाबा पर नहीं आते, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती हैं। वाट वेंदे ब्राह्मण खाते, ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, मैं आराम से अपना बिजनेस कर रहा था, अपने जिंदगी जी रहा था, फंस गया मैं ब्राह्मण जैसे वाट वेंदे, मतलब ब्राह्मणों की कहानी है संस्कृत में कि वाट वेंदे ब्राह्मण खाते हो, मतलब ऐसे ही मैं भी रास्ते में चल रहा था और भगवान मिल गया और मुझे फंसा दिया। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़े ही कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, इसको क्या पता कि मैं श्री कृष्ण हूं। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नरसे नारायण बनूंगा, राजयोग सीखूंगा तो क्या बनूंगा, नरसे नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है, अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नरसे नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो क्षत्रिय बने राम को 33 से, ये वैसे गलत लिखा गया है, मिस प्रिंट है, मतलब 75 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। ये लाइन ठीक है, फेल नहीं होंगे तो क्षत्रिय बनेंगे, फेल होंगे है ना, यहाँ भी नहीं हटेगा, अरे नहीं ठीक है, फेल नहीं होंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं हम, फेल थोड़ा ना होंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे, पास होंगे वो बन जाएंगे। क्या है, नर से नारायण बनूंगा परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। यहां वाली लाइन को भी समझ में आ गया होगा कि हर नर नारायण बनेगा, हर नारी लक्ष्मी बनेगी, और आगे भी स्पष्ट किया है आज मुरली में इस बात को, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 75 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, जो सूर्यवंशी थे वो भी तो उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण बैठे रहेंगे, समझ गए, हर एक नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी है, और वो अपना जो अधिकार है वो किसको देंगे, यहाँ पर कन्वर्ट होंगे राम लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं, फिर सीताराम नाम चला आता है, फिर क्या राम नाम चला आता है, सीताराम, चाहे वो लक्ष्मी नारायण थे तो चाहे वो उस नए आने वाले थे, सबका नाम क्या हो जाता है, ही और शी, सीता और राम, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। हाँ, उसके बाद ये नाम परिवर्तन होकर, कन्वर्ट होकर सीताराम बन जाता है। अब प्रश्न पूछता हूं, अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ, अब प्रश्न पूछता हूं, सुदर्शन चक्र कौन सा है, मेरे को भी याद आ रहा है कि जब
पता लगा मुझे कि सुदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र एक सेकंड में फिरा फेरा जा सकता है। मैं भी सुदर्शन चक्र एक सेकंड में फेर देता था फटाफट मंत्र की तरह। सत्युग रहता द्वापर कलयुग माधो चक्र। सारा दिन क्लास में बैठे बैठे जहाँ पहले माला फेरते थे, माला की जगह पर ये फेरना शुरू कर दिया। अब पता लगा ये बेकार था। अब पता लगा कि ये भी हमारा फेराना क्या था, बेकार था। शुरू शुरू में आया था तो मैंने यही काम करना है भाई, सुदर्शन चक्र ज्यादा ज्यादा फिराओ तो चक्रवर्ती राजा बन जाओ। अब लालच तो था ही था चक्रवर्ती राजा बने, तो मैं फटाफट सुदर्शन चक्र फटाफट, पता ही नहीं था ना। अब बाबा ने पूछ लिया है प्रश्न कि सुदर्शन चक्र कौन सा है, एक दो से पूछा। हाँ ये है चक्र। कैसे? देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, फिर गया चक्कर। अब ऐसे फिराते रहो चक्कर, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। कैसे बनेंगे समझ में नहीं आया। अब आता है कि ऐसे तो ना बने भाई, ये तो बेकार टाइम वेस्ट किया। ये चक्कर जितना फिराएंगे उतना विकार विनाश होंगे। अब बाबा ने यहाँ पर उसको कह तो नहीं सकते कि आपने क्यों नहीं बताया, है नहीं? बाबा ने तो यही कह दिया ना साफ साफ, अब ऐसे ही करेंगे। परंतु करना तो ऐसे नहीं है ना, विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते ऐसा करने से। इससे रावण का गला कटता है, ये लाइन आकर के समझनी है कि इससे रावण का गला कटना चाहिए। कैसे कटेगा ये समझने की, ये समझने की जरूरत। हाँ जब हम चलाएंगे सुदर्शन चक्र कि हम सतयुग के देवता बनने वाले हैं और ये कमी रह गई तो देवता नहीं बनेंगे, तो उस कमी का सिर काटेंगे। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है, और प्यार है तो कहना मानना पड़ेगा। बाबा कह रहा है तुम्हें प्यार है तो पता होगा हम बच्चे कहना मानते होंगे। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते, क्या करोगे? बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? नहीं बिछुड़ना बाबा से मतलब कैसी बातें, बाबा हमारी तरफ से अपने आप ही बोल देता है, हम क्या सहन नहीं करेंगे? एक सेकंड में हम परम अवस्था में क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं, ना रो सकते ना हंस सकते ना देख सकते ना बोल सकते। मतलब कैसे कह क्या, कौन कहेगा कि बाबा हम आपसे बिछड़ना सहन नहीं कर सकते? वहां से आने वाले तो कहते रोते हैं जब मधुबन से चलते हैं, पता नहीं क्यों रोना आता है उनको, क्या प्यार हो जाता है उनको बाबा से। बहुत सारे कहते हैं हमें रोना आता है मधुबन से जब हम वापस जाते हैं, बाबा से बिछुड़ रहे हैं। पता नहीं मेरे को नहीं आया कभी, मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि वो रो रहे होते हैं बाबा से बिछुड़ रहे होते हैं। बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते कहते होंगे कुछ बच्चे। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं क्योंकि ये है माता पिता, ये है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। ये किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले यही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ा ही था, ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ा ही था। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के और भी शिष्य होते वे भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु
नहीं है जिसने ये ज्ञान दिया हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूं। तो ये फिर हो गई माता, ये तुम्हारी क्या है, ब्रह्मा बड़ी माँ। इसलिए इनको मात पिता कहते हैं। तो मात पिता जो गाते हो वे ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते, इस ब्रह्मा को मात पिता कह सकते हो कि ब्रह्मा आपकी माँ भी है, ब्रह्मा आपका बाप भी है, मैं तुम्हारा जैसे सर्व संबंधी हूं। ब्रह्मा थोड़ा ही वैकुंठ का रचता है, ब्रह्मा वैकुंठ का रचता नहीं है, तो कौन रचता है, शिव बाबा। कल कहा था बाबा ने, कल बाबा ने कहा मैं रचता हूं परंतु मैं तुम बच्चों से रचवाता हूं। यदि वो खुद रचे, एक ईंट भी नहीं रखता स्वर्ग की, एक ईंट भी नहीं रखता, एक आत्मा के साथ अकर्म का एक भी खाता नहीं खोलता, अकर्म का खाता खोल देवे नहीं खोल। फिर कहता है मैं सत्युग में नहीं आ सकता, कैसे आएगा अभी तुम, कैसे आएगा सत्युग में, अकर्म का खाता बना भाई सत्युग का काम करा नहीं तो आएगा कैसे। सत्युग का काम करे वो करता नहीं, वो सिर्फ ज्ञान सुनाता है, हमसे करवाता है, हम अकर्म का खाता बनाते हैं, फिर हम सत्युग में आकर अकर्म के खाते से अपना पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, वो तो रचवाता है। बाप तो बाप है और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। बाप तो बाप है, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, कलश किसको मिलता है पहले, ब्रह्मा। परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी है, मशहूर है। विद्वत मंडली वालों वाले भी सरस्वती का लकब रख लेते हैं, मतलब अपने साथ जो विद्वान होते हैं वो अपने साथ सरस्वती रख लेते हैं, अपने नाम के साथ सरस्वती, के भी ज्ञान का बड़ा विद्वान पंडित है। अच्छा बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाऊं बता दो, अब मन मना भाव करो, जो मैंने बताना था बता दिया, अब बैठकर अपने मन को मनाओ और बन जाओ, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो, जो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तो तुम कहां चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां भी तो नंबर वार ही होंगे ना, सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी, चंद्रवंशी राजा रानी के भी दास दासियां तो हैं, वे सब यहां ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब हमारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, याद रखना योग ठीक नहीं होगा तो वे सुख महसूस नहीं होगा, योग ठीक नहीं होगा तो वे सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका, सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी, अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा, सारी दुनिया को यही टेंशन है क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे, स्वर्ग के दरवाजे है, स्वर्ग के दरवाजे कोई दरवाजे है, कोई दरवाजा नहीं है स्वर्ग। अच्छा
याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राज जी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं, जो ट्रेटर होते हैं ना उनको बहुत सजाएं मिलती हैं। ये तो सुप्रीम जज भी है। कौन है सुप्रीम जज? श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए ना ही कंस जरासंध को मारा। कृष्ण ने ना तो कपड़े चुराए और ना कंस जरासंध को एमी इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि सत्युग में कपड़े चुराने की जरूरत ही क्या थी। ना कोई कंस था ना कोई जरासंध था जो उनको मारना पड़े। कहानियां पता नहीं कहां कहां से कैसे घड़ दी, कौन सी बात समझ में ना आई और उनको दिखा दिया। श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया, उसने कुछ किया भी नहीं। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है, तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया। भगवान खुद क्या कहते हैं? मैंने पतित बूट में प्रवेश किया। तब तो पावन बने, तब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। जब ब्रह्मा विष्णु बनेगा तो क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो वा गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब माँ बाबा माफिक सर्विस करें, नहीं तो प्यार की इंतजार नहीं करना। बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वे भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबर वार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सुदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रहे। कौन सी अवस्था? न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी। जैसे बाबा सबसे न्यारा है, ऐसे तुम भी न्यारे बनो तो बाप के प्यार प्यारे बनोगे, प्यार के अधिकारी बनोगे। ठीक है क्या नहीं? और सर्व के भी प्यारे बनोगे। बनो क्या? न्यारा। बोला आपने मेहनत करनी है न्यारा बनने की, सबसे न्यारा बनने की। प्यारे तो अपने आप ही बन, पर तो शर्त है न्यारे सबसे बनना। यदि एक से भी न्यारे नहीं हुए तो आप सबके प्यारे नहीं बन सकते।
फिर तो उसी के प्यारे हो, बहुत बड़ी कंडीशन है। इसलिए बाबा किसी से प्यार नहीं, मतलब ब्रह्मा बाबा से भी कोई प्यार नहीं। और हम ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कोई प्यार एक्स्ट्रा नहीं देते। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारा पन ही प्यारा बना देता, क्योंकि शिव बाबा न्यारा बना तो प्यारा बना, ऐसे तुम भी न्यारे बनो। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे, अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारे अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को क्या लग जाएगा? शुभ भावना क्या होती है? क्या सोचना? हाँ, सोचने तक नहीं होगा। हाँ, शुभ भाव संकल्प तक है, परंतु जब भावना बन जाती है तो वो कर्म में आना चाहिए। शुभ भाव और शुभ भावना, भाव संकल्प और भावना एक्ट में आ जाती है। कोई भी मिले उसे बाप से मिला दो, ये है आपकी उसके प्रति शुभ भाव, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज का मम्मा के विषय है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं, हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को काटा जा सकता है क्या? टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? अब परमात्मा काट कैसे हो सकता, उसका टुकड़े कैसे हो सकते हैं? अंश तो टुकड़ा होता है ना। आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा, परंतु परमात्मा को, परमात्मा आत्माओं को पैदा भी, आत्मा भी स्वयंभू है परमात्मा भी। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी के, कि उसके भी टुकड़े 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 हो जाए, फिर तो वो ना रहा ना। उसके एक टुकड़े को पाप आत्मा, एक टुकड़े को दुष्ट आत्मा, एक टुकड़े को महान आत्मा, एक को देव आत्मा, एक को मतलब हुआ। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं,
मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं, मैं कभी, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है, उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं। जिनका दिया बुझेगा उनको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं, लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है ना, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई कम, कोई से कम या ज्यादा, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है, अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो माना परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्योंकि आने का, आत्माओं के आने का नंबर है ना, वो किसी भी टाइम पर आ गया, हर युग में आ जाए, तो फिर तो वो सर्वश्रेष्ठ ना होगा, क्योंकि आएगा तो पार्ट भी बजाएगा, और वो देहधारी की तरह कर्म करे तो फिर तो चक्कर में फंस जाएगा। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति या सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है, सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं, अर्थात बीच में नहीं आता है, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब तो उनका यादगार शिवलिंग बनाया है, और इतनी पूजा करते हैं तो अवश्य परम आत्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।